नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीच मिंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके अच्छे परीक्षा की तैयारी के लिए और अच्छी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो चैप्टर चल रहा है यूनिट वन, उसमें ये पार्ट पांच है। अब तक मैंने जो चार पार्ट अलग से थ्योरी के समझाए थे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे फॉर्मूले, उनका सत्यापन, फिर आई सेक्शन, उसके बाद चैनल सेक्शन। इस वीडियो में हम सीखेंगे एंगल सेक्शन और टी सेक्शन के बारे में। देखिए, एंगल सेक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इक्वल एंगल सेक्शन और अनइक्वल एंगल सेक्शन। डिटेल में आप पढ़ेंगे इस बारे में स्ट्रक्चरल डिजाइन में, जब कभी पढ़ेंगे फाइनल ईयर में। अभी सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप देख रहे हैं, ये ऐसा, इसे कहते हैं एंगल, एंगल सेक्शन। ये इक्वल एंगल है क्योंकि ये एक लेग है इस एंगल की, पर ये दूसरी लेग है, दोनों की लंबाई बराबर है। जैसे ये हमने अगर इसकी लेंथ को बी कहा, बी स्टैंड फॉर विड्थ और डी स्टैंड फॉर डेप्थ। इसकी डेप्थ है एंगल की और इसकी विड्थ है, और डेप्थ अगर विड्थ के बराबर हो तो ये दोनों एंगल, ऐसे एंगल दोनों जो लेग्स है, दोनों लेग, दोनों टांगे इसकी, या दोनों भुजाएं कह दो, नॉर्मली इसको लेग बोला जाता है एंगल के केस में, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में। और थिकनेस दोनों की बराबर होती है, इसकी भी टी और उसकी भी टी। तो इस केस में ये कहलाएगा इक्वल एंगल सेक्शन। और ये आप देख रहे हैं इसमें डी और बी अलग अलग है, नॉर्मली डी ज्यादा होती है। तो ये है अनइक्वल एंगल सेक्शन, ये तो इक्वल था, ये अनइक्वल है। लिख देता हूं यहां पे अनइक्वल एंगल सेक्शन, अनइक्वल, जिसके दोनों लेग्स अलग अलग नाप की होती है। कभी कभी एंगल सेक्शन को इस प्रकार से भी शो कर देते हैं, यानी इसको आपने उल्टा कर दिया। ये सब कुछ जो हमने फिगर बनाया ना, ये जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम सेक्शन को लेते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी सेक्शन होगा एंगल सेक्शन, उसमें दो लेग्स होंगी, नॉर्मली एक लेग होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। यहाँ छोटी हॉरिजॉन्टल है, बड़ी वर्टिकल है, यहाँ पर भी वही है, छोटी हॉरिजॉन्टल है, बड़ी वर्टिकल, लेकिन बड़ी ऊपर की तरफ है, बड़ी नीचे की तरफ है। इस केस में आई एक्स और आई वाई बराबर नहीं होंगे, लेकिन इस केस में जब ये इक्वल एंगल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड दैट अबाउट वाई एक्सिस इक्वल होंगे। कारण क्या कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये इसकी सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये ना तो सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस ना ये सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, ये किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये एक्स एक्सिस के जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, और ना ये कह सकते हैं जैसे वाई एक्सिस के जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में, अनसिमेट्रिकल है। लेकिन हाँ, ये पक्का कह सकते हैं जो वैल्यू आई एक्स की आएगी वही वैल्यू आई वाई की भी आएगी इस केस में इक्वल में, लेकिन अनइक्वल में ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको जब सवाल देते हैं एग्जाम में तो आप वो कहते हैं कि एंगल की साइज है 100 mm into 75 mm into 8 mm, 100 mm into 75 mm into 8 mm, और साथ में कह देते हैं लॉन्गर लेग इज वर्टिकल, लॉन्गर लेग इज वर्टिकल, ऐसा कह दिया मान लीजिए आपसे। तो उस केस में लॉन्गर लेग को हमने बनाया वर्टिकल, ये 100, ये 75 और 38 की दोनों लेग की थिकनेस होती है, तो फिगर ऐसा बनेगा। और अगर कभी यही एंगल
दे दिया आपको 175/8, सेम एग्जैक्टली वही 175/8, लेकिन शॉर्टर लेग इज वर्टिकल कह दिया, यानी छोटी वाली जो लेग है वो वर्टिकल, तो ये छोटी वाली लेग बनेगी वर्टिकल, लॉन्गर बनेगी हॉरिजॉन्टल, एंगल वही है लेकिन ऐसे बनाया जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना उसको पढ़कर समझना पड़ेगा फिगर कैसा बनाना है, वरना आपने अगर ये गलत बना दिया, सही समझ के नहीं बनाया, तो नंबर कट जाएंगे। अब इन दोनों में एक बात ध्यान रखने की है, नाप सेम है, 175/8 केवल इसमें 100 वर्टिकल है, 75 हॉरिजॉन्टल है, इसमें 75 वर्टिकल है, 100 हॉरिजॉन्टल है, थिकनेस 8-8 mm दोनों की। तो आप ध्यान देना कि जो इस केस में IX होगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्सी अबाउट एक्स एक्सिस, वो इस केस में IY बन जाएगा, और जो इस केस का IY है मोमेंट ऑफ इनर्सी अबाउट वाई एक्सिस, वो इस केस का IX बन जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन लिया आपके लिए, एक प्रॉब्लम मैंने ली है एंगल सेक्शन की, इस तरह की, इसकी शॉर्टर लेग हॉरिजॉन्टल है 100 mm, लॉन्गर लेग वर्टिकल है 120 mm, और थिकनेस है 12.5 mm, इस लेग की भी इस लेग की, और आपसे कहा गया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करो अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस। पहले तो हम सीजी लोकेट करेंगे। देखो सीजी लोकेट करने का तरीका ये होता है, आप देख रहे होंगे ये सेक्शन जो है ये ऊपर की तरफ भारी है, नीचे हल्का है, आप देख रहे हैं ना, ऊपर ये डंडी है, नीचे जैसे कुछ नहीं है, तो जिधर भारीपन होता है उधर सीजी शिफ्ट हो जाती है, यानी इसकी जो सीजी आएगी उसकी जो हाइट होगी वो ऊपर साइड में ज्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर टोटल डेप्थ इसकी 120 mm है, देख लो 120 mm, तो सीजी जो होगी 120 का आधा कितना होता है, 60 से ज्यादा होगी ऊपर, यहाँ से अगर नापेंगे ना तो वो 60 से ज्यादा होगी, क्योंकि ऊपर का जो पार्ट है वो भारी है। तो हमने क्या किया, एक अंदाज से एक लाइन खींच दी ऊपर, आधे से ज्यादा पे एक लाइन खींच दी ऐसी। अब बात करते हैं वाई एक्सिस की, तब हम देखेंगे कि ये जो एंगल सेक्शन है इसका जो लेफ्ट पोर्शन ये भारी है और राइट में कुछ नहीं है, राइट हल्का है, जैसे डंडी इधर वैसे यहाँ तो है नहीं, तो भारी हो गया नहीं वाला पोर्शन, तो जिधर भारीपन होता है उधर शिफ्ट होती है, तो सीजी इस साइड में शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये जो 100 mm है इसका आधा कितना होता है 50, तो 50 से इस साइड में, यानी हमने कुछ आधे से इधर करके एक लाइन मार्क कर दी, जहां ये दोनों लाइनें मिलेंगी वही सीजी होगी जिसको हम जी कहते हैं। तो परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो इस तरह से आप अगर ये अंदाज से काम करेंगे तो ये सही होगा बिल्कुल। अब हम अगर इसका निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एंगल सेक्शन का, अगर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपके 8 marks का आएगा, ध्यान रखना कि बड़ा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन नहीं है। तो हमने इसके दो पार्ट कर दिए, ये ऊपर का पोर्शन 1 और नीचे का 2, देखिए 1 ये है ना, इसको लाइन यहाँ हमने लाइन कर दी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 100 by 12.5, 100 गुणा 12.5, और ये नंबर 2 है, ये यहां से लेकर यहां तक है, यहां से शुरू होके यहां तक है, यानी उसकी जो टोटल डेप्थ है वो 120 नहीं है, 120 तो यहां से लेके यहां तक है, और नंबर 2 एरिया आपका यहां तक ही है, आपको ये 12.5 कम करना पड़ेगा, यानी 120 में से 12.5 घटाएंगे तो 107.5 mm इसकी ये डेप्थ है, और थिकनेस तो वही 12.5 ही है। तो हमने निकाला A1 यानी कि एरिया 1 कितना होगा, 100 गुणा 12.5, 1250 mm2। A2 निकाला, A2 में आप देखेंगे ये 120 नहीं देंगे, 120 में से 12.5 कम करेंगे, 120 - 12.5 × 12.5 तो 107.5 × 12.5 हो गया 1343.75 mm² आ जाएगा। अब हम दोनों को जोड़ेंगे A1 + A2, क्यों हमें फॉर्मूले में ये काम लेना पड़ेगा, जोड़ते ये 1250 + 1343.75
2593.75 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। अब निकालेंगे, देखिए एक बात ध्यान रखें, एक्स एक्सिस की जो पोजीशन है ना, द पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस वो तय होती है वाई बार से, और पोजीशन ऑफ वाई एक्सिस ये तय होती है एक्स बार से। कारण क्या, जो सीजी है ये सीजी, इसकी लेफ्ट साइड से दूरी है यहां से ये एक्स बार है, यहाँ ये बेस लाइन है। इस बेस लाइन से कह दो, इस रेफरेंस लाइन से कह दो, रेफरेंस लाइन जो होती है वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट और बॉटम मोस्ट ली जाती है, लेफ्ट लाइन मोस्ट ये है, ये हो गई रेफरेंस लाइन। यहां से ये दूरी नापी गई है एक्स बार सीजी की, यानी कि ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक। इस तरह से वाई बार नापने के लिए ये रेफरेंस लाइन है, ये बॉटम मोस्ट वाली, ये वाली वाई बार इस लाइन से नापा जाएगा। तो ये आपकी दूरी वही पॉइंट सीजी, ये दूरी वाई बार है। आपको दोनों निकालनी होगी, फॉर्मूले ये होंगे एक्स बार के, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू अपॉन ए वन प्लस ए टू, y बार का a1 y1 plus a2 y2 upon a1 plus a2। अब आपको ये चारों मान निकालने पड़ेंगे x1 x2 y1 y2। तो y1 निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, y1 ये वन एरिया, ये एरिया शुरू यहां से हो रहा है, यहां से शुरू हो गया खत्म हो रहा है, ये कितनी थिकनेस है 12.5, तो 12.5 का आधा कितना होता है 6.25। तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो सीजी यहाँ होगी सेंटर में, आप जानते हैं आयत की सीजी सेंटर में होती है, वो दूरी जो होगी यहाँ से कितनी होगी 12.5 की आती 6.25। लेकिन हमें तो दूरी पता करनी होती है इस रेफरेंस लाइन से, ध्यान दीजिएगा, जिस रेफरेंस लाइन से वाई बार नापा जाता है उसी रेफरेंस लाइन से वाई वन वाई टू मेजर किए जाएंगे। इसी तरह से जिस संदर्भ रेखा से, जिस रेफरेंस लाइन से एक्स बार नापा जाता है उसी संदर्भ रेखा से एक्स वन एक्स टू भी नापे जाएंगे। पहले अपन निकालते हैं वाई वन वाई टू, क्यों, आई एक्स निकालने के लिए चाहिए होते हैं वाई वन वाई टू, और आई वाई निकालने के लिए एक्स वन एक्स टू। देखिएगा ये है वाई एक्सिस, इसके लिए हमको ये एक्स बार चाहिएगा। तो वाई वन कैसे हो जाएगा, आप देख रहे होंगे ये जो y1 यानी वन एरिया जो यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से 12.5 का आधा करेंगे तो 6.25, लेकिन हमें तो यहाँ से नापना है, तो ये जोड़ देंगे इतना बस। ये कितना है, 120 नहीं है ये, अरे 120 तो पूरा था, उसमें से 12.5 कम किया, ये देखिएगा मैंने 120 जो है दिख रहा ना आपको, 120 इसमें से एक्चुअली क्या है, दो तरीके इसको करने के, मैंने जो तरीका ये लगाया है, आप देखिए ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये वाली, ये एक तरीका और भी है, मैं 120 में से 12.5 घटा दूं, यानी कि 107.5 ले लूं और उसमें 12.5 का आधा जोड़ दूं, ये वैल्यू 113.75 आएगी। देखो 12.5 का आधा करो कितना होगा 6.25, और 6.25 जोड़ोगे 107 के अंदर तो 113.75 आ जाएगा, यही आएगा एग्जैक्टली। ये मैंने कैसे निकाला है, मैंने क्या किया कि पहले यहाँ से यहाँ पूरा चला गया 120 चला गया, मैं यहाँ से रवाना होकर यहाँ तक आ गया, और उसके बाद हमें यहाँ तक आना था ना, ये दूरी कम कर दी हमने, यानी हमने 120 में से 12.5 की आधी घटा दी, तब भी हम यहाँ तक आ जाएंगे, बढ़िया। दूसरा ये जो मैसेज था ये क्या था, पहले मैंने यहाँ से यहाँ लिया फिर इसका आधा जोड़ा, बात एक ही है, आप यहां तक करके फिर आधा जोड़ो, ये पूरा करके उसका आधा घटाओ, वन एंड सेम थिंग। तो मैं चाहे 120 में से 12.5 का आधा घटाऊं, चाहे 107.5 में 12.5 का आधा जोड़ो, बात एक ही आएगी। ये आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखिए, बहुत प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। वाई टू देखिए ये नंबर दो है, नंबर दो इसकी पूरी डेप्थ कितनी है, 120 नहीं है 107.5 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये रेक्टेंगल है सीजी का होती सेंटर में, और दूरी यहीं से नापनी होती ना, ये रेफरेंस लाइन है, तो 107.5 का आधा कर देंगे ये आपके y2,
मैंने 120 में से 12.5 घटाया ना, आगे के 7.5 इसका आधा कर दिया तो 3.75 आ गया। अब x1 निकालेंगे, x1 कैसे निकालेंगे, देखिए x1 x बार दोनों इसी लाइन से नापे जाएंगे, इसी लाइन से, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। अब वन एरिया शुरू इसी लाइन से हो रहा है, देखिए देखो वन एरिया है ना यहाँ से यहाँ तक ये वाला, इस लाइन से शुरू हो रहा है, ये कितनी लंबा इधर 100, तो सीधी कहा है कि आधे पे 50 पे, तो x1 हो गया 100 का आधा 50 mm। x2 ये नंबर दो एरिया है, ये भी शुरू यहीं से हो रहा है, देखिए इसकी स्टार्टिंग लाइन ये, और ये कितनी है 12.5, तो 12.5 का आधा कर दो, ये 12.5 का आधा 6.25, तो हमने y1 y2 x1 x2 a1 a2 सब निकाल दिए। अब ये फॉर्मूला है हमारा x बार याद करने का, a1 x1 plus a2 x2 upon a1 plus a2, तो वो y बार का a1 y1 plus a2 y2 upon a1 plus a2, सब मान आपको पता है, all values are known, रखा आपको x बार और y बार दोनों मिल गए, x बार 27.33 y बार 82.61 mm। अब देखे होंगे ये 27.33 जो है, मैंने कहा था ना 100 का आधा कितना 50 से कम, तो ये 50 से कम ही है, 50 से कम होता है ना 27.33, और ये 82.67, ये कुल कितना है 120, आधा कितना होता है 60 से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा है ये 82.67। तो इस तरह से हमने, और अब तो कोई समस्या है नहीं सवाल के अंदर। अब आपको जैसे IX निकालना है, ये ध्यान दीजिएगा ये एंगल सेक्शन किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, नाइदर अबाउट एक्स एक्सिस नॉर अबाउट वाई एक्सिस, हमें IX निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो पहले निकालेंगे इस फर्स्ट पार्ट का, फिर निकालेंगे सेकंड पार्ट का, दोनों को जोड़ देंगे, IX1 प्लस IX2 अपॉन 2। अब IX1 कैसे निकालेंगे, BDQ/12 प्लस AH2, तो बी तो इसका 100 है, ये देखिए ना आप 100 12.5 का क्यू बटा 12 प्लस ए, यानी कि 100 × 12.5 यानी कि A1 1250। जब भी H की बात चलती है IX निकालने में, तो Y1 और Y बार का डिफरेंस, Y1 और Y बार का डिफरेंस ये रहा आपके सामने, Y1 है आप देखिएगा, ये रहा Y1 113.75, और Y बार जो है वो था 82.67। तो ये देखा आपने 113.75 माइनस 82.67 डिफरेंस ले लिया, इसका स्क्वायर किया, सॉल्व करेंगे तो IX1 आ गया। अब निकालेंगे IX2। एक्चुअली ये जो हॉरिजॉन्टल लेग है, इसको वन नंबर का है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस वो IX1 है, और जो नंबर दो है ना इसका इसी एक्सिस का अबाउट क्या रहेगा IX2। ये रहा IX2। IX2 कैसे निकालेंगे, BDQ/12, B कितना है इसका, जब नंबर दो लेंगे ना तो B है 12.5, D कितना है 120 नहीं होगा, ध्यान D यहाँ से शुरू होगा यहाँ से यहाँ तक, 120 में से 12.5 कम करेंगे तो 107.5, ये देखिएगा B × D का मतलब 120 माइनस 12.5 तो हो गया BDQ/12 प्लस A का मतलब A2, और A2 कितना देखिए आप 1333.75, तो A2। और एच कैसे निकालेंगे, बात चल रही है IH2 की, यानी कि जो नंबर दो एरिया है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो वाई बार निकालने के लिए Y2 और वाई बार काम आएंगे, तो Y2 कितना है 53.75, वाई बार कितना था 82.67, ज्यादा कौन है 82.67, तो 82.67 में से 53.75 बटाएंगे और स्क्वायर कर देंगे, और फिर जब सॉल्व करेंगे तो आपको IX2 मिल जाएगा। फिर ये IX1 पता है, IX2 पता है, दोनों जोड़ देंगे और IX1 प्लस IX2 जोड़ दिया, हमारा यहाँ चला गया, ये आपको मैंने पूरा सॉल्व करके दे दिया है 3641660.64 mm4। इसी तरह से आप निकालेंगे IY, तो IY1 प्लस IY2। अब देखिए बहुत आसान चीज बताऊँ आपको, IX1 निकालने में आपने किया था 100 × 12.5 के क्यू बटा 12, तो IY1 निकालने में 12.5 × 100³/12 करेंगे, ये देखिए 12.5 × 100³/12 होता था ना, BDQ/12 की जगह पे DVQ/12 प्लस AH² 1250 ही है,
अब H निकालने में, जब मैंने IH निकाला था ना, तो H निकालने में Y1 और Y बार काम आ रहे थे, इस बार X1 X बार काम आएंगे। देखिए X1 और X बार का डिफरेंस लेंगे, X1 तो है 50 और X बार है 27.3, तो 50 में से 27.3 भी घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, ये H स्क्वायर हो गया, ये I Y1 निकल गया, सिमिलरली I Y2 निकाल देंगे, कोई मसला नहीं, जो दोनों जोड़ देंगे आंसर आ गया 2298691.89 mm4। जोड़ने से हमने आई वाई वन निकाला था ना, ये 1041666.67 और आई वाई टू निकाला 614614.09, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इससे हमने आज आपको ये बताया कि किसी एंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। नाउ इस वीडियो का ये लास्ट टी सेक्शन, देखिए टी सेक्शन में क्या होता है, ये फ्लेंज, इसे कहते हैं फ्लेंज, और ये है वेव, दिस वेव। अब ये फ्लेंज विड्थ कहलाती है, ये टोटल डेप्थ कहलाती है, तो ये जो साइज है ना टी सेक्शन की, कई बार कहते हैं कि भाई एक टी सेक्शन की साइज बी बाई डी बाई टी है, कैपिटल बी इंटू कैपिटल डी इंटू स्मॉल टी, इसका मतलब इसकी ओवरऑल विड्थ है कैपिटल बी, ओवरऑल डेप्थ है कैपिटल डी, और थिकनेस फ्लेंज की भी टी है स्मॉल और वेब की भी टी है स्मॉल, ऐसा फिगर बनाना आपको आना चाहिए। तो ये आप देख रहे होंगे, ये इस लाइन के अबाउट देखो फिगर, ये सिमेट्रिकल है इस लाइन के अबाउट, ये जो पेन दिख रहा है आपको मेरा, इसके अबाउट जैसा इधर है वैसे उधर है, तो सीधी इसी लाइन पर होगी, लेकिन कहाँ होगी, क्योंकि ये ऊपर का पोर्शन भारी है ना, तो इसके आधे से ऊपर होगी, तो ये सीधी हो गई, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, आपको आई एक्स आई वाई दोनों निकालना है। अब आई वाई तो बहुत सिंपल है इसे निकालने का, डीबी क्यू बटा 12, ये इंटू ये क्यू बटा 12 प्लस ये इंटू ये क्यू बटा 12, बहुत सिंपल है। एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है ये, तो आपको पहले एक्स एक्सिस की पोजीशन निकालनी पड़ेगी, जब कभी आई एक्स निकालना होता ना, पहले आपको एक्स एक्सिस कहाँ पर है ये निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको ये जो हम कहते हैं वाई बार डिस्टेंस, ये वाली ये निकालनी पड़ेगी आपको, और ये निकालने का वही तरीका है, दो एरिया हो जाएंगे वन और टू, तो ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू अपॉन ए वन प्लस ए टू से निकल जाएगा, जो भी डाटा आपको दे रखे होंगे क्वेश्चन में। अब मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल और दिया आपको, जैसे कोई आपसे कहा जाए कि 50x50x10 का टी सेक्शन बनाइए, तो ये भी 50 और ये ओवरऑल 50, ध्यान रखना टॉप टू बॉटम, और ये 10 mm, ये भी नहीं होता है। अगर कहते हैं कि 60x60x20 का बनाइए, तो ये पूरा 60, ये पूरा 60 और ये 20, ये भी और 20 ये भी, यानी अगर हम बात करते हैं 60x60x20 की, तो फिगर यही बनेगा, बस 50 जगह 60 लिख देंगे और 10 की जगह 20 लिख देंगे। मेरा एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये 60x60x20 का टी सेक्शन है, तो बताइए आई एक्स क्या होगा और आई वाई क्या होगा, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज आई एक्स एंड व्हाट इज आई वाई, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। मैंने आपको आंसर दे दिया, आई एक्स आएगा 5786666.67 mm4। इसमें 50-50 है, हम यहाँ 60-60 की बात कर रहे हैं, अब ये 38 कैसे आएगा, तो y बार निकालने का फॉर्मूला वही है, a1 y1 plus a2 y2 upon a1 plus a2, a1 का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये 50-50 में समझा ऐसे ही, वास्तविक सवाल तो ये वाला है, तो आप इसको 60 लेंगे, 60 और 60 को फिर इसके हिसाब से आप इसके एरिया निकाल लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, वो सब कुछ मैं आपको पहले बहुत पढ़ा चुका हूँ, बहुत ज्यादा समझा चुका हूँ, तो मैंने आपको वाई बार का हिंट दे दिया, ये आएगा, और वाई बार जब भी निकाल लेंगे आई एक्स निकालो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात है आई वाई की, आई वाई तो बहुत सिंपल है, देखिएगा ये वाई एक्सिस के ऊपर तो सिमेट्रिकल है, तो बहुत आसान है, डी बी क्यू बटा 12 1 का और डी बी क्यू बटा 12 2 का, इस केस की बात करूं 10 इंटू 50 क्यू बटा 12
लेकिन हमारा तो वो 60 बाई 60 बाई 20 था ना, 20 × 60 क्यों बटा 12 इसका प्लस, ये कितना हो जाएगा? तो पूरा तो 60 है ये, इसको देख रहा हूँ मैं, पूरा तो 60 है और ये 20 है, तो ये कितना बच गया? 40, 40 × 20³/12। ये जब करेंगे तो आपको आई वाई मिल जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ आपको काफी बहुत सी बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको लाइक शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।